Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel UF Reaction. This is Usama. This is Maria. This is Umar. So guys, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो आप फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। So guys, आज का एक तो आप फिर से वीडियो जो होगा एक न्यू ट्रेलर पे होगा और काफी मजेदार होने वाला है। आप पोस्टर देख के तो समझ ही के होंगे। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है भेड़िया। बिल्कुल भेड़िया से उम्र भाई क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? मतलब एक दफ़ा पहले भी वरुण धवन की एक ऐसी मूवी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब एग्रेसिव थे और उस मूवी का मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब उस तरह का मुझे कुछ लग रहा है जैसे कोई बदला लेने के लिए, मतलब कुछ कोई पागल जुनून, मतलब कुछ लग रहा है। क्योंकि उनके पोस्टर से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उनके अंदर जैसे कोई चीज है, जैसे मतलब कुछ है। अब ये तो ट्रेलर देखेंगे ही तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह ट्विलाइट नहीं है, इसी तरह भेड़िए का कुछ ऐसा सीन कुछ भी हो सकता है। तो उम्र भी कास्ट के बारे में पहले बात कर ले। बिल्कुल, वरुण धवन और कृति सैनन है इसमें, और पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें जो लगता है हमने बता दिया भी हमने, क्योंकि ट्रेलर नहीं देखा, तो अब हम ट्रेलर आपके साथ देखते हैं, तो बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हो। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जिसे सियापा समझते हो ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। खुशबू बदबू में बदल गई और बदबू खुशबू में। जी, 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 क्या कर रहा है? इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? आस्की के पॉटी में से किसी इंसान की हड्डी के अंश में। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था। जंगल में कांड हो गया। क्या छुपा रहे तुमसे? कुछ हुआ नहीं है मुझे। जिसका डर था ना वो शुरू हो गया। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया। भेड़िया रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत। मेरी ना लिटरली फटती है और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़िए से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। यही चड्डी पहन के कल रात को भूल खिलाता। देख पीछे से फटी हुई। देख जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ओके, मुझे लग रहा था कि शायद जो है वो नेम के टाइटल नेम जो है उसको लेके मुझे लग रहा था शायद कोई बदला वगैरह लेंगे, मतलब कुछ ऐसा। लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट हुआ और ऑपोजिटी थी। मतलब असल में भेड़िया जो है वो इनको काट लेता है और फिर उसके बाद उनमें भी जो है वो उसी तरह के साइंस आ जाते हैं। देखा नहीं कि मतलब उनके सुनने की पावर्स भी तेज हो जाती है, हर चीज मतलब उल्ट हो जाती है। मतलब खुशबू वो बदबू में बदल जाती है, ऊंचा सुनने का वो कम सुनाई देने लगता है। लेकिन मुझे अभी भी कुछ सस्पेंस लग रहा है, अभी भी कुछ ठीक से उन्होंने नहीं दिखा। मुझे भी अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मूवी जब देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा क्यों भेड़िए ने क्यों इन्हीं को क्यों काटा। क्योंकि वो बीच में कहते हैं कि भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा, मुझे इन्हीं क्यों काटा। बिल्कुल, तो अभी भी मुझे स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस लग रहा है। और बाद में फिर वो जब जंगल में खड़े होते तो वो कहते हैं कि आई
ऐसा ऐसा जो है ना, मतलब वो बाहर आ रहा है, तो मतलब दिखाया ये भी चीज में गई है कि मतलब कहीं जगह पे अगर उनको गुस्सा भी आता है तो उनके अंदर वो चीज हावी हो जाती है, हाँ फौरन से उनको अग्रेसिव हो जाता है एकदम से, उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है फौरन से, बॉडी में भी मतलब चेंजिंग आने लग जाती है। लेकिन मतलब स्टोरी बहुत जबरदस्त लग रही है, मतलब इसको अगर आप कहें तो एक फनी हॉरर भी कह सकते हैं मूवी को, कॉमेडी भी है, कॉमेडी टाइप भी हो सकती है, और लेकिन अच्छी आ रही है, एक अलग सी स्टोरी आ रही है, एक अलग डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। और कृति सैनन भी इसमें दिखाई है, वो अच्छा उनका भी लुक बड़ा वो एक चेंज लग रहा था, और बड़ा एक अच्छा लुक उनको भी दिया है, न्यू लुक के साथ हाँ बिल्कुल, और वो भी अच्छी लग रही है। अब ये मूवी जब आएगी, अच्छा मूवी जो है वो 25 नवंबर को रिलीज हो रही है, बिल्कुल, तो ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे मजा आएगा मूवी देखने का, और वैसे भी इनकी मूवी अच्छी होती है, हाँ, इनकी मूवी ये इनके बहुत अच्छी मूवी होती बिल्कुल है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, लाइक शेयर कर सपोर्ट करें, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।